इसके पीछे क्या कारण? कोई बात नहीं था सर, आप वीडियो फोटो देख लीजिए। इनफैक्ट जो बस थी ना, वो DSW और रोड के बीच में यहाँ खड़ी थी। बस ने एक्चुअली ट्रैफिक रोका हुआ था। चलो मैं चेक करता हूँ। सारे प्रोटेस्ट अगर ये कह देना कि रोड ब्लॉक करके किए उसके कारण 188 लाया किया गया, वो सर नहीं है। आप कुछ लोग स्टूडेंट नहीं भी हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, इट इज योर राइट। आप और हमारा जो है, हमारा देखो यहाँ पर इट इज नॉट अगेंस्ट यू, इट इज फॉर द कि यूनिवर्सिटी में कोई बाहर से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ना। कोई तो रीजनेबल होना चाहिए। कोई भी आपने आज भी जो हमें नोटिस पकड़ा दिया है, दो आदमी के नाम से आपने निकाल के पकड़ा दिया है, एडिशनल DCP के नाम से वो निकाला गया है, वो ये पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। अब ये तो बिल्कुल क्या दिक्कत है? जैसे कि यहाँ पे सबसे यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ना, कोई रीजनेबल। वो तो हाई कोर्ट ने भी बोला है भाई, ये जो है इट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम होल्डिंग द प्रोटेस्ट इनसाइड द कैंपस। इसका मतलब यही है कि जहाँ जहाँ 144 है उसके मद्देनजर 144 है क्यों सर? हमारा क्वेश्चन ये भी है, 144 कैंपस में क्यों? क्या सर कोई दंगा हो गया कैंपस में? आपको हम कोई नहीं मना करता। हम तो इनफैक्ट कैंपस में पुलिस जाती भी तब है जब हमें कोई बॉडी कैमरा ऐसा कोई इशू नहीं है। अपनी खुशी जो अगर हमें प्रॉक्टर ऑफिस हमें लिख के देते हैं, कल का परसों का ये 3 दिन जो रहा है, वी हैव इन राइटिंग फॉर अस कि भाई आप इस पे एक्शन लीजिए, ये चल रहा है, और देन वी आर ड्यूटी बाउंड। अदरवाइज हमें तो मतलब ऐसा कुछ ड्यूटी बाउंड अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय इनके यूनिवर्सिटी का अपने भी वो वार्डन वो है ना सर, वो प्रॉक्टर कभी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो, और उसमें आपको अगर नोटिस लिखना है तो आप उसके लिए प्रिकॉशंस लीजिए यहाँ पे। मगर यहाँ पे अगर कोई पीसफुल असेंबली हो रही है, आप उसको पहले से ही वेल इन एडवांस आप उसको प्रोहिबिट कैसे कर सकते हैं? सेक्शन 144 का ब्लैंकेट आपने बैन लगा दिया प्रोटेस्ट पे। ब्लैंकेट आप पढ़ोगे, आप 144 पढ़ोगे, इट इज नॉट फॉर द यूनिवर्सिटी, इट इज एरिया अराउंड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब जैसे आउटसाइड द यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस, दैट इज आउटसाइड गेट नंबर 4 एंड गेट नंबर ये यूनिवर्सिटी का। देखो एक इंटरप्रिटेशन की बात ये है कि अगर प्रॉक्टर आपको बोल रहा है कि स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज करो, प्रॉक्टर देखो एक बात बताओ मैम, आपको लगता नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं की तरह बोल के बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिन से लगा जो राइट टू प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट, लड़कियों को मारा गया है, ठीक है विमेन, पुलिस पर्सनल ने मारा है, लाइक वो पुलिस ऑफिशियल देयर। मैम मैं आपको एक बात बता दूं, और दिस इज नॉट अ पर्सन, दिस इज मेरे ऊपर सर 3 FIR वीडियो है, वीडियो आराम से है, अगर हम से मांगने से एविडेंस है, एविडेंस है, हम आपको एविडेंस दिखाएंगे। ये बात कर लीजिए, आप अभी अगर यहीं पे हैं आपको एविडेंस हम भी देंगे, एविडेंस हम भी देंगे, आप दिखा दीजिए सर, बिल्कुल आगे एविडेंस अभी दिखा दीजिए। एक होता है कि लाठी चार्ज, अरे भैया लाठी तो हम साइड पर, हमारा ये रहता है स्टूडेंट पे कोई लाठी, आप कोई वीडियो दिखा दो जिस पे लाठी यूज हो, ये तो है पुलिस तो मारी रही है सर, मेरे कपड़े फाड़े गए सर, मेरे कपड़े फाड़े गए, उसकी वीडियो देखिए यार, क्या वो अब आप मतलब अब उस तरीके के कपड़े लाओगे कि आपको जब पटा रहे हैं कपड़े सर, सर देखो ये सर ये विश्वविद्यालय में सर ये सी के कुर्ता किसने पहना, आप भी कपड़ों से पीछे जा रहे हैं, इट इज नॉट, इट इज नॉट, किस तरीके के कपड़ों की बात कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं लातों से मैडम, आप ये देखिए नहीं सर, ये जान लो, आप बताओ पुलिस हम लोग कैसे मैन हंट कर, आप ये देखो वीडियो एक मिनट, सबको देखो कहां लाठी है और कहां लाठी चार्ज के लिए, आप लाठी चार्ज वाले भी दिखा देंगे, नहीं है मान गए ना लाठी नहीं, अब सारे मान रहे हैं लाठी चार्ज वाले भी दिखा देंगे, अभी दिखा दो पहले, पहले लाठी वाला दिखाओ सर, लाठी सही लगती है, ये देखिए किस तरीके से उनको एक वीडियो का दिखा दीजिए, एक मैं दिखाता हूं, कहीं भी उन आपसे आपके इतने बाइज्जत आपसे बात की जा रही है उसमें वीडियो में, मैडम आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, कपड़े देखिए किस तरीके से फाड़े गए मेरे, ये देखिए सर पहले लाठी दिखाओ, मैं आपको बारी बारी चलता हूं, हम लोग बाहर खड़े थे, हम लोग को डिटेन कर लिए, हम लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, हां तो मैम आप देखिए आप रोड पे खड़े हो, आपको प्यार से ऐसे ले जा रहे हैं, चलिए नहीं सर प्यार से कभी नहीं ले जाया जाता है, हम लोग यहां से 2 सालों से सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
यही पुलिस है, हम यही हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यही यही पुलिस है, मारती है सर, कई बार मारती है, हम लोग अपनी मारती होगी कभी तो लगातार मारा गया है। और सर ये हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो रहा है सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो पढ़ने लिखने के लिए आए हैं सर, यहाँ पे हम लोग कापी किताब की बात करते हैं, लाइब्रेरी की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज होता है सर, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? FIR झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, FIR हुआ है, आप थाने में देख लीजिए सर, आप हर एक बात को झूठ ऐसे नहीं बोल सकते। देखो मैडम आप हंस रहे हो, मेरी बात सुनिए, राजीव सर है, आप झूठ नहीं सर, झूठ की बात नहीं, आप राजीव सर है, ये सरासर झूठ है सर। हर एक संगठन के लोगों के सर FIR हुआ है, 6 से 7 सर, मेरा सुजीत कुमार यादव नाम है, आप देख लीजिए आप सर, मोरिस नगर थाने में निकलवा लीजिए सर, सर मोरिस नगर थाने में निकलवाइए, हम बात है 144 क्यों है सर, 144 क्यों है सर, सारे लोगों पे FIR, 144 क्यों है सर, हम लोग एक मिनट इसको पूछ, मीडिया बात कर ले, हमारा मीडिया से रिक्वेस्ट है, बाद में हम एक बार बात नहीं हो पा रही है सर से, बात हम एक्सप्रेस कर ले फिर आप कर लीजिए। मतलब एक मिनट, हम लोग को एक्टिविस्ट को बात कर लीजिए आप, देखो ऐसा है हमारे ये अब से नहीं है, पहले से है, काफी देर से है, और 144 स्टूडेंट की, पब्लिक की, सबकी, जनरल पब्लिक की, इट इज़ फॉर जनरल गुड, सेफ्टी के लिए है, और इसमें जो जैसे कि यहाँ पर कोई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी खराब ना हो, कोई रोड ब्लॉक, ये सब चीज़ें हैं, इवन कोविड भी वन ऑफ द रीजंस था, इस सब के चलते है, इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी की भी स्टूडेंट के या किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ, प्रोटेस्ट आपका अगर राइट है आप उसको अपने तरीके से करिए, अगर रोड आके रोड ब्लॉक करेंगे ये सब करेंगे तो दैट इज़ द रीज़न कि उसके ये हम ये इसमें 144 लगी है। अरे मीडिया से एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी रुक जाए, मीडिया से एक बार रिक्वेस्ट है सर, एक मिनट सर, सर दूसरी बात एक हो गया मैडम का झूठ,144 क्यों लगाई गई हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्या 3 दिन से क्या नहीं नहीं क्या 3 दिन से कोई हिंसा हुई थी? हिंसा हुई, क्या हिंसा हुई है बताइए? कोई हिंसा नहीं हुई है सर, कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई हिंसा नहीं है, रोड ब्लॉक करना हिंसा नहीं है सर, रोड ब्लॉक करना हिंसा नहीं है, आप उसको डिटेन कर सकते हैं सर, आप उसको डिटेन कर सकते हैं सर, रोड ब्लॉक तो आप ही कर कैंपस में नहीं लगे सर, सर 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 हम लोग 4 नंबर गेट पे प्रोटेस्ट करते हैं, 8 नगर गेट के अंदर पुलिस आई है, आप सर ये फैकल्टी के अंदर पुलिस आई है, वहां पे आप सर झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं सर, सर इस फैकल्टी के अंदर अनाउंसमेंट हुआ है, आप कह रहे हैं कि नहीं है सर, रोड फैकल्टी के अंदर अनाउंसमेंट है, नहीं नहीं सर आप ऐसे नहीं जा सकते बिना हमारे सवालों का जवाब देके, सारे जवाब नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं क्या आपके सवालों का जवाब नहीं दिया गया, तमाम सर एक डिविजन पे 8 से 10 मुकदमे लगे हैं, आप राजीव सर है, SHO पूछ लीजिए आप लोग, सब पे लगे हैं, हमारी मांग है कि क्या पढ़ाई लिखाई की बात करना तो आप सीधे FIR कर देंगे, 188 लगा देंगे, ये कौन सी बात है भाई, हम लोग रीओपन लाइब्रेरी के लिए, रीओपन कैंपस के लिए, तमाम सारी मांगों को लेके पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये FIR दर्ज करके हम भड़काना चाहते हैं, डरवाना चाहते हैं, तो इनकी हम घुड़की से नहीं डरने वाले हैं, और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, जो संघीय प्रशासन है, जो सत्ता के हनक में हम तमाम सारे छात्रों की आवाजों को दबा देना चाहता है, तो इस विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सुन लेना होगा कि हम लोग जिस दिन यूनाइट होकर इनके ऊपर आ जाएंगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, तो ये लगातार हम लोगों को डरवाने का धमकाने का